Assalamu alaikum. This is ulfat Anjaan. In this presentation, I am going to talk about the third chapter in the environmental science book of class 4th. The title of the chapter is Air to Air. मैं उल्फत अनजानवानी इस प्रेजेंटेशन में चौथी जमात के एनवायरनमेंटल साइंस बुक के तीसरे चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। चैप्टर का उन्वान है एयर टू एयर। बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल लेसन, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लेसन। द बेसिक लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू द लेसन आर exploring children's ideas, views about animals, exploring children's observation of different body parts of animals, animal body features like animals have external ears, animals have hair on their bodies, animals lay eggs, and animals give birth to young ones. Dear students, let's have a look at these pictures of animals. In the pictures, you can find a variety of animals. Some of these animals are found around us in our locality, while some of these animals are found in forests. In the pictures, you can find some domestic animals like a horse, a cow, a goat, a sheep, etc. You can also find some wild animals in the pictures like an elephant, a lion, a tiger, a monkey, etc. In the pictures, you can find some birds as well like a pigeon, a crow, a sparrow, etc. प्यारे बच्चों, आइए इन जानवरों की तस्वीर की तरफ देखते हैं। इन तस्वीर में आप बहुत एक्साम के जानवर देख सकते हैं। इनमें से कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी वगैरह। इनमें से कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं जैसे हाथी, शेर, बंदर, चीता वगैरह। इन तस्वीर में आप कुछ परिंदे भी देख सकते हैं जैसे कौवा, कबूतर, चिड़िया वगैरह। इनमें से कुछ जानवर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं जबकि कुछ जानवर जंगलात में पाए जाते हैं। Let's first try to name some animals found in our locality. Dear students, you just had a look at the pictures of some animals. These were the animals we find everywhere. Some of those animals are found in our own areas, while some of those animals are found in a forest. Now let's try to name some animals found in our locality. बच्चो, अभी आपने बहुत सारे जानवरों की तस्वीर देखी। उनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे आसपास हमारे इलाकों में पाए जाते हैं और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो जंगलात में पाए जाते हैं। अब आइए उन जानवरों का जिक्र करते हैं जो हमारे आसपास हमारी अपनी लोकेलिटी में पाए जाते हैं। In our locality, we can find animals like cow, horse, goat, dog, cat, rat, buffalo, sheep. We can also find birds like crow, pigeon, sparrow, and bulbul. हम अपने आसपास अपनी लोकेलिटी में बहुत सारे जानवर देखते हैं जिनमें से कुछ इस तरह से हैं cow, horse, goat, dog, cat, rat, buffalo, sheep, crow, pigeon, sparrow और bulbul. Now let's try to name some animals found in a forest. अब आइए कुछ उन जानवरों का जिक्र भी करते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं। In a forest there are animals like lion, monkey, टाइगर, जैकाल, जिराफ एंड फॉक्स। जी हाँ, कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंगल में पाए जाते हैं जैसे लायन, मंकी, टाइगर, जैकाल, जिराफ और फॉक्स।
Now let's list some animals whose ears can be seen and some animals whose ears cannot be seen. Dear students, you are well aware of the fact that all the animals have got their distinct, their specific characteristics. Let's try to list some animals whose ears can be seen and some animals whose ears cannot be seen. बच्चों, आपको पता है कि जो भी जानवर इस ज़मीन पर पाए जाते हैं उनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं। आइए अब उन जानवरों का ज़िक्र करते हैं जिनके कान हमें नज़र आते हैं और उन जानवरों का ज़िक्र भी करते हैं जिनके कान हमें नज़र नहीं आते। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन: एलिफेंट, लायन, हॉर्स, काउ, डॉग, कैट, पिग, शीप एंड बफेलो। वो जानवर जिनके कान हमें नज़र आते हैं वो हैं एलिफेंट, लायन, हॉर्स, काउ, डॉग, कैट, पिग, शीप और बफेलो। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन इंक्लूड: स्नेक, लिजार्ड, आंट, स्पैरो, बुलबुल, फिश एंड फ्रॉग। वो जानवर जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते वो हैं स्नेक, लिजार्ड, आंट, स्पैरो, बुलबुल, फिश और फ्रॉग। नाउ लेट्स लिस्ट सम एनिमल्स हु हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज एंड दोज एनिमल्स हु हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। अब आइए उन जानवरों का जिक्र करते हैं जिनकी बॉडीज़ पर बाल होते हैं और उन जानवरों का जिक्र भी करते हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं। एनिमल्स हु हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज इंक्लूड: टाइगर, लायन, मंकी, ज़ेब्रा, काउ, हॉर्स, कैट, डॉग, शीप एंड रैट। वो जानवर जिनके अजसाम पर बाल होते हैं वो हैं टाइगर, लायन, मंकी, ज़ेब्रा, काउ, हॉर्स, कैट, डॉग, शीप और रैट। एनिमल्स हु हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज इंक्लूड: क्रो, हेन, पैरट, स्पैरो, बुलबुल, पीकॉक एंड डक। वो एनिमल्स जिनके पास फेदर्स होते हैं वो हैं क्रो, हेन, पैरट, स्पैरो, बुलबुल, पीकॉक और डक। नाउ लेट्स फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हु गिव बर्थ टू बेबीज एंड दोज हु ले एग्स। बच्चों, अब आइए उन जानवरों का जिक्र करते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं और उन जानवरों का जिक्र भी करते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं बल्कि अंडे डालते हैं। Animals that give birth to babies are cow, horse, goat, dog, cat, rat, elephant, lion, tiger and monkey. वो जानवर जो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं वो हैं cow, horse, goat, dog, cat, rat, elephant, lion, tiger और monkey. And animals that lay eggs are crow, sparrow, pigeon, hen, parrot, duck, tortoise and crocodile. वो जानवर वो animals जो अंडे डालते हैं वो हैं crow, sparrow, pigeon, hen, parrot, duck, tortoise और crocodile. What do you notice? Which type of animals lay eggs and which type of animals give birth to babies? बच्चों, आपने क्या देखा या आप क्या देखते हैं? किस किस्म के जानवर अंडे डालते हैं और किस किस्म के जानवर बच्चों को जन्म देते हैं? आइए देखते हैं। Animals whose ears can be clearly seen and who have hair on their bodies give birth to young ones. वो जानवर
जिनके कान हमें नज़र आते हैं और जिनकी बॉडीज़ पर बाल होते हैं, वो जानवर छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। Animals that do not have ears on the outside and do not have hair but mostly feathers on their bodies lay eggs. Some of them may be hairless or featherless. वो जानवर जिनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते हैं और जिनकी बॉडीज पर बाल नहीं होते हैं, बल्कि ज़्यादातर उनके पास फेदर्स होते हैं, बल्कि कुछ जानवर तो बिना बाल के भी होते हैं और बिना फेदर्स के भी होते हैं। इस किस्म के जानवर अंडे डालते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। नाउ देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर स्कूल और हाउस? मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट ले एग्स एंड ऑफ दोज दैट गिव बर्थ यंग वंस। बच्चों, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, वो जानवर जो अंडे डालते हैं और वो जानवर जो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन ये वो जानवर होने चाहिए जो आपके घर के इर्द गिर्द या आपके स्कूल के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। थैंक यू। शुक्रिया।